दोस्तों आपने कभी ना कभी GTA San Andreas गेम तो जरूर खेला होगा तो आज हम इस गेम के पूरे पांच फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इस गेम के कौन-कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए मेरा नाम है भाचौधरी आप देख रहे हैं निशान बाट तो लेट्स स्टार्ट हां तो दोस्तों GTA San Andreas के बहुत सारे फैक्ट्स हैं मगर आज हम किसी पांच फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इसका पहला फैक्ट निकल आता है कि इस गेम में जो ब्रिज है तीसरी सिटी के आखिर में जो दो सिटी को अपने जोड़ता है वो एक ब्रिज है वह सैन फ्रांसिस्को में असल में अवेलेबल है उस ब्रिज का नाम है गोल्डन गेट ब्रिज मतलब इस गेम के अंदर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज को कॉपी मारा गया है और इस गेम का दूसरा फैक्ट निकल आता है कि इस गेम में आप स्काई डाइविंग के लिए भी जा सकते हैं मतलब यह GTA ऐसा गेम है जिसके आप स्काई डाइविंग के लिए जा सकते हैं और इस गेम का तीसरा फैक्ट निकल आता है कि यह गेम GTA सीरीज का सबसे बड़ा गेम है इस गेम में जितनी सिटी है वो किसी भी गेम में इतने बड़े शहर को नहीं बसाया गया है इसके अंदर तीन बहुत बड़ी बड़े सिटी है मतलब बहुत बड़े बड़े शहर है तो यह GTA सीरीज का सबसे बड़ा गेम है इसका चौथा फैक्ट निकल आता है इसके अंदर जो सिटी है लॉस सैंटोस लॉस एंजलिस सिटी से कॉपी मारी गई है मतलब यह सिटी एक असल में ही यूएस में यह सिटी है उससे इस सिटी को लॉस सैंटोस सिटी को कॉपी मारा गया है इस गेम के जो हॉलीवुड का लोगो दिखाया जाता है वो विनीवुड का वो इस सिटी में सच में ही है इस गेम का आखिरी फैक्ट निकल आता है कि इस गेम में जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो है सच में ही टेम्पेन इन मारियन कंट्री में है टेम्पेन इन मारियन कंट्री में वह गेम सच में ही है मतलब इस गेम की ज्यादातर चीज कॉपी है मतलब यह गेम एक पूरी तरह ज्यादातर चीज की कॉपी मारी गई है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन